कब उठी हो माइडर मिसेस पैसा वसूल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। गाइस आज के दिन हम निकले हैं डिज्नीलैंड। थोड़ा ब्लंडर हो गया, आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूं। तो फर्स्ट टाइम इस चीज में जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं, हमने वन डे पर पर्सन की टिकट बुक कराई $109 पर पर्सन दो लोगों की। एंड आज के दिन में वो टिकट हमारी एक्सेसिबल भी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं, वो प्रोसेसिंग शो कर रहा है। सो उन्होंने हमें बोला हमें फिर से टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आके, क्योंकि पार्क भी बंद हो रहा है 2 घंटे में, तो हमने टिकट लिया ऑलमोस्ट कितने की पड़ी हमें $375 राइट। सो पहले मेरे अकाउंट से उन्होंने पेंडिंग दिखा दी है, जो पहले वाली टिकट ली थी अराउंड $310 कैनेडियन, जो कि हमें टिकट आई नहीं है। और हमने हम फिर से ऑलमोस्ट की $470 की हमने फिर से टिकट लिया इंक्लूडिंग द पार्क हॉपर, ताकि इसके बाद हम एयरपोर्ट में आके फायर होते। ये एंट्री के लिए है, तो यहाँ से एंट्रेंस हो रही है टैप करके। ये सामने जो लाइन है ये हैलोवीन पार्टी की, जो कि पूरा सोल्ड आउट है। तो गाइस मैं बता रहा था, हमने जो ऑनलाइन टिकट परचेज करी है हमें वो रिफंड लेना पड़ेगा। एंड वो कहते हैं कि क्वाइट कॉमन है, क्योंकि आप सेम डे की अगर टिकट बुक कराते हैं तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। हम सोचे थे हम ना बुक कराएं, क्योंकि हम पेरिस के डिज्नीलैंड गए थे, बट फिर एंड मोमेंट पे सोचा चलो यार कोई आते हैं। तो अगर आप टिकट करा रहे हो 2-3 दिन पहले बुक कराना, या फिर कियोस्क पे यहाँ पे आके फिजिकली तब टिकट खरीदना। Going towards the kingdom. ये है the very famous magical kingdom. And एक काफी same है जो हमने पेरिस में देखा था, I think. एकदम same है. तो but बहुत beautiful है. वैसे ये magical kingdom 9 pm तक खुला रहता है, but आज क्योंकि यहाँ पे हेलोविन का कुछ ओकेजन है, तो इसलिए 6 pm बंद हो गया. तो we'll go to airport, जहाँ पे की fireworks होंगे 9 pm. तो इसलिए हमने park to park जो टिकट है वो ली है. बैठ गए, लस्सी है राइट जैसी है, वो देखो छुटके बड़े लग रहे हैं। लग रहा है बहुत अच्छा है यार, बड़ा काम।
करने के बाद हमें ये मिला स्टारलाइट कैफे। ये पीछे जो ट्रैक नजर आ रहा है आपको, इस पे ये परेड होती है, तो अभी ये हर थोड़े बाद कुछ ना कुछ निकल रहा है। मिकी माउस, गूफी, इतना अमेजिंग वो जो म्यूजिक है, इतना वाइब इतनी अच्छी आ रही है ना यार वो म्यूजिक की, बड़ा फील गुड म्यूजिक है। बच्चे सब नाच रहे हैं, बड़े भी इनफैक्ट नाच रहे हैं। ऐसा सबने जो इतने प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं यार, लोग सही में बहुत शौकीन होते हैं एंड दे लव टू एक्सप्रेस देयर द क्रेज फॉर दीज डिज्नी कैरेक्टर्स, सुपर अमेजिंग। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम किसी और पार्क में आते हैं, क्योंकि हमने पार्क टू पार्क टिकट परचेज कर ली थी। पहले पार्क में जो भी एंट्री ले रहे हो, जो भी फिंगर यूज कर रहे हो स्कैनिंग के लिए, याद रखना अभी माइट मिसेस की कंफ्यूजन हो गई थी तो उन्होंने दोबारा रजिस्टर करा इसे तब अंदर आन दी है, तो आपके फिंगरप्रिंट्स वो हर पार्क में एंट्री के टाइम पे मैच किए जाते हैं। हम लोग हर थोड़ी देर में अंदर घुस जाते हैं, गर्मी बहुत है तो इसी के हवा लेने के लिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है बाहर। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अकेन मैग्नेट? आई थिंक डिज्नीलैंड का एक ही मैग्नेट होता है जो हर जगह चला है। तो आप लोगों को टिकट का आइडिया देता हूँ, जो हमने हैरी पॉटर वर्ल्ड जो यूनिवर्सल के लिए थी वो थी कैनेडियन डॉलर्स में 328 दोनों के मिला के एंड इंक्लूडिंग टैक्सेस। एंड जो हमने आज पहले यहाँ की ली थी, जो अभी हमने रिफंड होपफुली हमें मिल जाए, वो था $310 कैनेडियन, उसमें था ओनली वन पार्क इन अ डे। तो हमको वहाँ जाके जो अब लेनी पड़ी वो है पार्क टू पार्क डिज्नी की, इसलिए हम दो तीन पार्क में घूम रहे हैं। वो हमें पड़ी ऑलमोस्ट $485 फॉर टू पीपल इंक्लूडिंग टैक्स। Steve Jobs। अभी हम आगे प्रोजेक्ट टुमारो में, एंड गाइस बहुत अमेजिंग था ये जो अंदर था। इसमें क्या था कि ये हमें स्टोन एज से लेके कैसे हमने लैंग्वेज बोलनी शुरू करी, कैसे हमने बुक सीखनी शुरू करी, और एंड में जहाँ तक हम लाइक स्टीव जॉब्स ने जब कंप्यूटर इन्वेंट करा, पूरी जर्नी दिखाई। एंड उसके बाद एक अच्छी एक्टिविटी थी, इसमें क्वेश्चन पूछे गए, उसके बेसिस पे उन्होंने हमारा फ्यूचर डिजाइन करा। और माय डियर मिसेस आगे स्क्रीन पे वहां पे ऊपर बार होता है कि आपकी बीवी खर्चा करना चाहती है और आप उसको बार बार तंग करने पहुंचाते ताकि वो कुछ से कुछ पसंद ना आ पाए और वो खर्चा ना कर पाए, बट वो तब भी हिम्मत नहीं हारती है, हर स्टोर में घुसती है, हर चीज उठा के देखती है कि जब तक उसके पति का कुछ खर्चा ना हो जाए। किस किस के साथ ही होता है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यार। Thank you.
इट्स रियली गुड, बहुत सही है, ऐसा भीड़ देखो यहाँ पे। ऑसम एक्सपीरियंस था गाइस, हम पहले यहाँ खड़े हुए थे, जो वो काम करता है अभी मेरे कान में बोल के गए, यू शुड गो फर्दर दिस ओवर अप देयर, एंड आई एम वहां पे आगे जाके एंड अमेजिंग ऑसम। क्या बोलती हो माय डियर मिसेस, पैसा वसूल? ऑसम, पैसा वसूल यार। फायरवर्क्स बहुत देखे हैं बट ऐसा म्यूजिक के साथ रिदम और सामने जो पानी का फाउंटेन का जो इमेजेस बनी आ रही थी, लाइक टू गुड यार। कैमरा में कैप्चर बहुत कर रहा है बट मुझे पता है कैमरा बहुत जस्टिस, मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज बहुत सुंदर होती है हम कैमरे से भी जस्टिस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को आना पड़ेगा, कभी मौका लगे आना जरूर एपकॉट के फायरवर्क्स, टू गुड। चाहे टांगे जवाब देखिए चल चल के बट कुछ नहीं होता, वर्थ इट है। हो गया हमारी चेकआउट की तैयारियां, पैकिंग सब हो चुकी है, हमने चेकआउट थोड़ा कर लिया था एक्सटेंड क्योंकि फ्लाइट हमारी देर की है। ट्रिप बहुत बढ़िया रही, बहुत थकान रही बट मजा भी उतना ही आया। तो ये आई होप आपको मेरी ऑरलैंडो की सीरीज बढ़िया लगेगी एंड पसंद आती है, लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल भी मत भूलना, वो करे बगैर तो आप जाना मत इस वीडियो से। तो अभी मैं वीडियो ये खत्म कर रहा हूं, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, देन हमको फ्लाइट लेनी है। 31 डिग्री से हम जाएंगे ऑलमोस्ट, आई थिंक अभी टोरंटो में 20 है और वहां जाके अब स्नो की ही वेट करेंगे। तो ये बढ़िया ब्रेक मिल गया, मच नीडेड ब्रेक, एंड आज का वीडियो ये सीरीज का मैं यही फिनिश कर रहा हूं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में टोरंटो में। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।